भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम काव्य के लक्षण का अध्ययन करेंगे। लक्षण से तात्पर्य यह है कि काव्य में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसा कि यदि कोई आपसे पूछता है कि एक अच्छे विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए, तो आपको संस्कृत का वह श्लोक निश्चित रूप से याद आता है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात एक अच्छा विद्यार्थी वह होता है जो कव्वे की तरह प्रयत्न करता है, बगुला की तरह ध्यान लगाता है, जब वो मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ रहता है, स्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोता है, मतलब बहुत ही चौकन्ना रहता है, थोड़े थोड़ी सी भी आहट होती है तो वह जग जाता है, अल्पहारी कम भोजन करने वाला होता है, और गृह त्यागी मतलब अपने घर बार को छोड़कर बाहर जाकर पढ़ाई करता है। तो वैसे ही काव्य के लक्षण पे जब हम विचार करते हैं तब हमको देखना होता है कि काव्य में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, और संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है, जिससे विभिन्न काव्य संप्रदायों का विकास हुआ और काव्य के प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हुए काव्य लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया गया। काव्य का स्वरूप मतलब काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने से तात्पर्य यह है कि काव्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए और काव्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं काव्य का स्वरूप और काव्य में क्या क्या प्रमुख तत्व तो होने चाहिए। तो भारतीय काव्य शास्त्र में इस पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ, लेकिन विद्वानों में मतभेद होने के कारण काव्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सके। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था काव्य के स्वरूप का निर्धारण करते समय, इसीलिए काव्य का आज कोई निश्चित कोई परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा हमारे पास नहीं है। आचार्यों ने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए जो काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं वे सर्वमान्य नहीं किए जा सकते। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं और वे अपने अपने संप्रदाय के अनुसार काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं, लेकिन वे उन्हें सर्वमान्य नहीं कह सकते। अब हम काल क्रमानुसार संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर विचार करने के उपरांत हिंदी के प्रमुख आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों पर विचार करेंगे। इसके बाद अंग्रेजी के प्रमुख समीक्षकों द्वारा दी गई काव्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो काव्य के लक्षण का अध्ययन करते समय हम सबसे पहले भारतीय जो आचार्य हैं संस्कृत के, उनके द्वारा बताए गए काव्य लक्षण पर विचार करेंगे। फिर हम जो भारत के हिंदी के विद्वान हैं उनके द्वारा जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं उन पर हम विचार विमर्श करेंगे, और अंत में हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख पाश्चात्य समीक्षक काव्य का लक्षण कैसे निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण। लक्षण मतलब विशेषताएं या फिर गुण। आचार्य भामह जो 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम्, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। मतलब शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ सहित, शब्द और अर्थ को एक साथ मिलाकर काव्य का निर्माण होता है। इस परिभाषा में सहित शब्द अस्पष्ट है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, साहित्यिक सामंजस्य और हित सहित। तो इन्होंने जो संहिता लिखा है तो यहाँ जो सहित शब्द है उसका उन्होंने व्याख्या नहीं की है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सहित शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, साहित्यिक सामंजस्य। साहित्यिक सामंजस्य मतलब शब्द और अर्थ का जो सामंजस्य है, जो दोनों में हार्मनी है, और हित सहित मतलब स धन हित, हित सहित। जैसे सहित संहिताओं को हम क्या कहते हैं, स और प्लस हित, स और हित सहित। तो यदि सहित का पहला अर्थ लिया जाए तो इस परिभाषा का अभिप्राय होगा कि शब्द और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहा जाता है, परंतु यदि दूसरा अर्थ लिया जाए तब इस परिभाषा का तात्पर्य होगा कि ऐसा शब्दार्थ जो लोक कल्याणकारी हो, सबका हित करने वाला हो, वह काव्य है। तो इस प्रकार संहिता मतलब यदि काव्य के शब्द, यदि शब्द और अर्थ में सामंजस्य है तो वह काव्य है, अर्थात यदि कोई शब्दार्थ समाज का हित करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, तब भी वह काव्य है। स्पष्ट है कि आचार्य भामह शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, अर्थात कविता न तो केवल शब्द है, शब्द का चमत्कार है,
और ना केवल अर्थ का सौष्ठव है। तो आचार्य भामा का यह कहना है कि काव्य केवल शब्द ही नहीं है कि बहुत अच्छे से शब्दों का हमने चयन कर लिया या फिर हमारे शब्द बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के सामंजस्य से जो निर्मित होता है वह काव्य है, और साथ ही साथ काव्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए, लोक हिताय होना चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य भामा के अनुसार उसमें सुंदर कलात्मक और सरस शब्द प्रयुक्त होने चाहिए जो उचित भावपूर्ण अर्थ को व्यक्त करने वाले हों, साथ ही कविता में प्रस्तुत शब्दार्थ लोक मंगल का विधायक भी होना चाहिए। तो आचार्य भामा के अनुसार ऐसा शब्द जो सुंदर हो, सहज हो, सरस हो और जिसका बहुत ही अच्छा भाव निकलता हो और जो समाज के लिए कल्याणकारी हो वह काव्य है। आचार्य दंडी जो सातवीं शताब्दी के आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है, शरीरंता वदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट, इष्ट मतलब वांछित, जो हम चाहते हैं, जो हम अर्थ निकालना चाहते हैं, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली, तो उसका अर्थात काव्य का शरीर मात्र है, मतलब जो हम अर्थ निकालना चाहते हैं उस अर्थ से निर्मित पदावली है ना, ऐसी पदावली जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो वह क्या है, सिर्फ उसका शरीर है, बाहरी आवरण है। स्पष्ट है कि शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, दंडी क्या है, शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, आचार्य भामा मानते थे लेकिन दंडी इसको काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ, शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ, तो काव्य का शरीर मात्र है, उसकी आत्मा नहीं है, बाहरी आवरण है। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को वे काव्य की आत्मा मानते थे, जिसकी व्यंजना उपरोक्त तो परिभाषा में उन्होंने कर दी है। व्यंजना मतलब यहां उन्होंने अभिव्यक्ति की है कि बिना अलंकार युक्त जो शब्दार्थ है वह काव्य नहीं हो सकता। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि दंडी के अनुसार वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो काव्य है। आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य थे, तो उनका कहना था कि केवल शब्दार्थ कहने से काम नहीं चलेगा, वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो, शब्दार्थ के साथ साथ इन्होंने अलंकार भी जोड़ दिया, वह काव्य है। अलंकार विहीन शब्दार्थ दंडी के विचार से काव्य नहीं कहा जा सकता, मतलब जिस शब्दार्थ में यदि अलंकार नहीं है तो वह काव्य नहीं कहा जा सकता। आचार्य वामन जो आठवीं शताब्दी के आचार्य हैं, इनका क्या कहना है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में काव्य की निम्न परिभाषा दी है, गुणालंकृतियों शब्दार्थियों काव्य शब्दों विद्यते। इन परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा, दो चार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इन्होंने एक और नई बात जोड़ दी, गुण, गुण मतलब जो काव्य के जो गुण होते हैं, शब्द गुण या अर्थ गुण, तो गुण मतलब जिस शब्दार्थ में गुण भी है और अलंकार भी है वह काव्य के नाम से जाना जाता है, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन ने भामा और दंडी से कुछ आगे बढ़कर गुणयुक्त और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य की संज्ञा प्रदान की है। तो आचार्य वामन ने शब्दार्थ में अलंकार के साथ साथ गुण को भी जोड़ दिया है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने दोषहीनता को भी काव्य लक्षणों में स्थान दिया है, मतलब काव्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए। एक अन्य स्थान पर वो कहते हैं कि उसमें दोषहीनता भी होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। और आचार्य वामन के अनुसार गुण क्या होते हैं, गुण शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म होते हैं। गुण किसे कहते हैं, जो शब्द और अर्थ को सुंदरता प्रदान करते हैं उसे गुण कहते हैं। तो रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन का जो रीति संप्रदाय है इसे हम गुण संप्रदाय भी कहते हैं। और आचार्य वामन ने गुणों को दो वर्गों में बांटा है, शब्द गुण और अर्थ गुण, और इन दोनों की संख्या 10-10 होती है। शब्द गुण 10 होते हैं, अर्थ गुण 10 होते हैं। जब हम अलग से पढ़ेंगे रीति संप्रदाय, तब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आचार्य मम्मट जो 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं, इनकी क्या परिभाषा है, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की निम्न परिभाषा दी है, और सबसे ज्यादा व्यापक इन्हीं की परिभाषा है, इसी को ज्यादा मान्यता दी जाती है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः कॉपी, अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन हो, गुणयुक्त हो तथा कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकता है।
मतलब इनके अनुसार काव्य वह शब्दार्थ है जिसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, जिसमें गुण होने चाहिए, कुछ क्वालिटी होना चाहिए काव्य के जो गुण होते हैं वो, और कभी कभी वह अलंकार रहित होना चाहिए। मतलब इन्होंने अलंकार को ज्यादा महत्व तो नहीं दिया काव्य में। काव्य में अलंकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस परिभाषा के आधार पर काव्य के निम्न लक्षण सामने आते हैं। पहला है शब्दार्थ, अर्थात काव्य शब्द और अर्थ का योग है। शब्द होना चाहिए और उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, इनका योग है। अदोष मतलब अर्थात काव्य दोषहीन होना चाहिए, काव्य में कोई दोष या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सगुण अर्थात काव्य गुणयुक्त होना चाहिए, काव्य के जो गुण होते हैं शब्द गुण अर्थ गुण इत्यादि वे होने चाहिए इसमें। और अनलंकृति पुनः क्वापि अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है, कभी कभी काव्य अलंकार रहित भी हो सकता है। अब आचार्य ममन की जो काव्य की परिभाषा है बहुत ही व्यापक है, तो इसकी विवेचना भी हुई। तो विवेचना कैसे कर सकते हैं, इसका इस पर विचार विमर्श कैसे कर सकते हैं। अदोष ममन ने काव्य का एक लक्षण दोषहीनता माना है, मतलब काव्य का एक लक्षण यह है कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ममन से पहले आचार्य वामन और आचार्य भोजराज ने भी अपनी परिभाषाओं में दोषहीनता का उल्लेख किया है। आचार्य विश्वनाथ ने दोषहीनता को काव्य के परिभाषा में स्थान देना अनुपयुक्त तो माना है, क्योंकि दोषहीन काव्य आकाश कुसुमत अर्थात असंभव है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ हैं, इन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई काव्य का सृजन करना बहुत ही मुश्किल है जिसमें कोई दोष ना हो, आकाश कुसुम मतलब जो असंभव कार्य है, तो इसने इसको काव्य के लक्षण में स्थान नहीं दिया। आचार्य विश्वनाथ का यह भी मत है कि दोषों के आ जाने से काव्य का काव्यत्व नष्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़े द्वारा काटे गए रत्न का रत्नत्व समाप्त नहीं होता, हाँ उसका मूल्य अवश्य कम हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ का यह मानना है यदि किसी काव्य में कोई दोष आ जाता है तब भी उसका काव्यत्व नष्ट नहीं होता। जैसे कि यदि सोना है या हीरा है उसको कीड़े ने काट लिया तो ठीक है उसका मूल्य कुछ कम हो जाएगा, लेकिन वह उसका जो गुण है सोने का या फिर हीरे का वह खत्म नहीं होता पूरी तरह से, कम जरूर हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि दोष काव्य के सौंदर्य में बाधा तो उत्पन्न करते हैं किंतु उसका काव्य नष्ट नहीं करते। मतलब यदि किसी काव्य में कोई दोष आ जाता है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो इससे उसका काव्यत्व नष्ट नहीं होता, यह जरूर है कि उसकी सुंदरता कुछ कम हो जाती है, यह उनका मानना है। सगुणों मतलब गुण सहित ममट ने काव्य का गुणयुक्त होना स्वीकार किया है, पर आचार्य विश्वनाथ ने ममट के काव्य लक्षण में सगुणों पद की आलोचना की है, इन्होंने इसका फिर से विरोध किया है। उनके अनुसार सगुणों शब्दार्थों का विशेषण कदापि नहीं हो सकता, वस्तुतः गुण जो है रस के धर्म है शब्दार्थ के नहीं। तो उनका कहना है कि गुण का जो संबंध है वह शब्दार्थ से नहीं होता बल्कि गुण रस से संबंधित होता है, इसलिए यह जो सगुणों शब्द है यह शब्दार्थों का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण किससे जुड़ा होता है, रस से जुड़ा होता है, शब्दार्थ से जुड़ा नहीं होता। तीसरा अनलंकृति पुनः क्वापि, इसका क्या तात्पर्य, मम्मट अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं मानते। मम्मट का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि काव्य में हमेशा अलंकार हो, बिना अलंकार के भी अच्छे काव्य का सृजन किया जा सकता है। उनके अनुसार अलंकार काव्य में होने तो चाहिए पर वे काव्य के ऐसे तत्व तो नहीं है जिनके अभाव में काव्य का काव्यत्व ही नष्ट हो जाएगा। अलंकार से रहित होने पर भी कोई सरस उक्ति कविता की श्रेणी में ही गिनी जाएगी, मतलब कोई अच्छी बात, कोई अच्छा शब्दार्थ जिसमें अलंकार तो नहीं है लेकिन वह सरस है, पढ़ने में जिसमें रस कम अनुभव हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तब वह कविता की श्रेणी में ही गिना जाएगा। परंतु इसका विरोध करते हुए अलंकारवादी आचार्य जो जयदेव हैं उन्होंने क्या कहा है कि अलंकार काव्य के स्वाभाविक धर्म है, ठीक उसी प्रकार जैसे उष्णता आग का धर्म है, अतः बिना अलंकारों के कोई काव्य कोई रचना काव्य नहीं हो सकती। आचार्य जयदेव का यह मानना है जैसे जो गर्मी है, आग में गर्मी होती है तो आग का जो स्वाभाविक गुण है वह क्या है, गर्म है, गर्म होना, वैसे ही काव्य का स्वाभाविक गुण क्या है कि उसमें अलंकार होना ही चाहिए, बिना अलंकार के हम किसी रचना को काव्य नहीं कह सकते। परंतु आचार्य मम्मट रसवादी आचार्य थे, अतः वे काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुण और रस पर विशेष बल दिखाई देते हैं। मम्मट रसवादी आचार्य थे इसलिए उन्होंने अलंकारों को महत्व प्रदान नहीं किया बल्कि गुण काव्य के जो गुण होते हैं और काव्य में जो रस होता है उसको उन्होंने अधिक महत्व प्रदान किया। शब्दार्थ
काव्य शब्द है अथवा शब्दार्थ, इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग उन आचार्यों का है जो काव्य को शब्दार्थ स्वीकार करते हैं। शब्दार्थ मतलब शब्द और अर्थ का योग, शब्द भी होना चाहिए उसका निश्चित अर्थ भी होना चाहिए, इसे शब्दार्थ कहते हैं। तो ये आचार्य कौन कौन से हैं? मम्मट तो हैं ही, मम्मट इसी वर्ग के आचार्य हैं। इनके उनके अतिरिक्त आचार्य भामल, आचार्य वामन, आचार्य रुद्रट आदि ने काव्य को शब्दार्थ स्वीकार किया है, ये उनसे सहमत है। लेकिन शब्दार्थ के स्थान पर काव्य को केवल शब्द मानने वाले आचार्य हैं, जो केवल शब्द मानते हैं काव्य के, वो कौन से हैं? दंडी, विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ। अब आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी के आचार्य हैं, इनका क्या मानना है? इन्होंने साहित्य दर्पण का की रचना की थी। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया है और उन्होंने काव्य की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। तो आचार्य विश्वनाथ क्या बोलते हैं? रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार उन्होंने रस को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, महत्ता प्रदान किए। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी के आचार्य हैं, 17वीं शताब्दी, इनका क्या कहना है? पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य लक्षण को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने क्या किया है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही वाक्य है। इस परिभाषा में रमणीय शब्द अस्पष्ट है। रमणीय अर्थ मतलब सुंदर अर्थ, तो मतलब वे रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। वह शब्द जिसका बहुत ही सुंदर अर्थ निकलता है, वे शब्द जो सुंदर अर्थ की रचना करते हैं, सुंदर अर्थ का निर्माण करते हैं या सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो रमणीय शब्द है वह अस्पष्ट है। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं इस संबंध में? बाबू गुलाब राय ने रमणीय का अर्थ मन को रमाने वाला या लीन करने वाला बताया। रस में लीन मन आनंद से व्याप्त हो जाता है, अतः रमणीयता के अंतर्गत रसात्मकता भी आ जाती है। बाबू गुलाब राय का क्या कहना है कि वे अर्थ है ना, रमणीय का अर्थ इन्होंने क्या माना है? मन को रमाने वाला, जिसमें मन रम जाता है, जिसमें मन आपका लग जाता है, आप बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं उसको सुनकर या उसको पढ़कर, तो यह रमणीय है। तो रस में लीन मन क्या होता है? जैसे आप कोई कविता पढ़ रहे हैं या कोई कविता सुन रहे हैं और उसमें पूरी तरह निमग्न है, उसमें पूरी तरह डूब गए, इससे आपको रस या आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो आपका मन क्या है? आनंद में डूब गया है, इसलिए आपको रस प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। तो अतः रमणीयता के अंतर्गत क्या है? रसात्मकता भी आ जाती है, रमणीयता के अंतर्गत रस भी आ जाता है। संस्कृत की इन परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त एवं तर्कसंगत है। तथापि आचार्य विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आचार्य मम्मट की जो काव्य की परिभाषा है, ये जो काव्य का लक्षण है, वह सर्वाधिक व्यापक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की जो परिभाषा दी है, यह काव्य के जो लक्षण बताए हैं, इनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अब संस्कृत आचार्यों के बाद हम देखते हैं हिंदी आचार्यों का काव्य लक्षण। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर अनेक काव्य लक्षण प्रस्तुत किए, परंतु उनमें मौलिकता का भाव है। मतलब उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर बहुत सारे लक्षण तो बताए रीतिकालीन कवियों ने, रीतिकालीन आचार्यों ने, लेकिन उसमें मौलिकता का भाव है, इसलिए यहां पर उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अब आधुनिक युग में जिन समीक्षकों ने काव्य पर मौलिक ढंग से विचार किया है, इनमें सर्व प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू गुलाब राय आदि। ये आधुनिक समय के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षक हैं, हम इनकी परिभाषाओं पर विचार करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये जो काव्य का लक्षण बताया, कई परिभाषाओं में, कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग एक के निबंध कविता क्या है में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। विधान का तात्पर्य है निर्माण या रचना करना। अब हम इसको समझते हैं। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के बाद है ना आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, मतलब जिस प्रकार जब हम ज्ञान कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमको, तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार जब हृदय को मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे रस दशा कहते हैं। मतलब ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तब हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है, और जब हमारी हृदय पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तब हमको तब वह रस दशा कहलाती है। हम रस में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब हमारा हृदय भी मुक्त हो जाता है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, मतलब हृदय की मुक्ति के लिए, हृदय को पूरी तरह रस में डुबा देने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, मतलब मनुष्य की वाणी शब्दों की एक व्यवस्था करती है, शब्दों का रचना करती है, शब्दों को क्रम से जमाती है हृदय को मुक्त करने के लिए, तो उसे ही कविता कहते हैं। मतलब शब्दों को जब हम इस तरह से संकलित कर देते हैं कि उसको पढ़ने पर या उसको सुनने पर हमारा हृदय रस में पूरी तरह से डूब जाता है, तब उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। हृदय की मुक्त अवस्था से तात्पर्य उनका अभिप्राय है हृदय का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना। मतलब हृदय कब मुक्त होता है हमारा, जब हमारे हृदय में अपने और पराये की भावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तब हमारा हृदय भी मुक्त हो जाता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी काव्य में रागात्मक तत्व, रागात्मक तत्व मतलब जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, रस की अभिव्यक्ति होती है, इसके अंतर्गत रसात्मकता और भावात्मकता को प्रधानता देते हैं। मतलब शुक्ल जी काव्य में किसको प्रधानता देते हैं, रसात्मकता, रस को, भावात्मकता, भावुकता को। वे चमत्कार पक्ष को काव्य लक्षण के अंतर्गत महत्व नहीं देते, मतलब वे शब्दों के चमत्कार को काव्य के लक्षण के अंतर्गत महत्व नहीं देते। इस परिभाषा में रस का आग्रह अधिक है, रस को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अलंकार अथवा उक्ति वैचित्र आदि का समावेश इसमें नहीं हो सकता, हो सका है। इन्होंने अलंकार को कोई महत्व प्रदान नहीं किया। उक्ति वैचित्र मतलब विचित्र प्रकार की बातें, विचित्र शब्द, विचित्र अर्थ, इसको इन्होंने इसमें समावेश नहीं किया है। अतः यह परिभाषा भी संकीर्ण नहीं है, संकीर्ण हो गई, कंप्लीट नहीं है, और केवल रसवाद का पोषण करती है, केवल रसवाद को महत्व देती है, रस को महत्व देती है यह परिभाषा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। प्रभावोत्पादक मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाला, प्रभाव डालने वाला। मनोरंजक मतलब मनोरंजन करने वाला। कोई बात या वक्तृता, वक्तृता मतलब भाषण या व्याख्यान, वक्तृता का अर्थ होता है वक्तृता मतलब भाषण या व्याख्यान। तो कोई ऐसा मनोरंजक लेख या कोई बात अथवा कोई भाषण या व्याख्यान जो प्रभावोत्पादक हो, हमारे पर प्रभाव डालने वाला हो, वह कविता है। तो इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है। वह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में हो सकती है, तथा उसमें दो गुण होने चाहिए, प्रभाव डालने की क्षमता और आनंद प्रदान करने की शक्ति। तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों को ही शामिल कर लिया है कविता के अंतर्गत, और उसमें दो गुण बताए, एक तो वह प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, और दूसरा हमें आनंद प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। हिंदी के अन्य विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषाएं दी है, पर वे उपरोक्त परिभाषाओं से मिलती जुलती हैं, अतः उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। हिंदी के कुछ अन्य विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, लेकिन उनकी परिभाषाएं भी उपरोक्त तीनों परिभाषाओं से ही मिलती जुलती हैं, इसलिए उनका यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण, अब पाश्चात्य जो समीक्षक हैं, जो आलोचक हैं, उनका क्या मानना है, उन्होंने कैसे काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं, उनको हम देखते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों ने काव्य के जो लक्षण बताए हैं, काव्य के जो गुण या विशेषताएं बताई हैं उन्होंने, उनमें से कुछ भाव पक्ष को प्रधानता देकर चले हैं और कुछ कला पक्ष आदि को प्रधानता देकर चले हैं। भाव पक्ष क्या होता है, जिसमें भावना या विचार के बारे में हम उल्लेख करते हैं, उन पर विचार करते हैं कि उसमें कौन सी भावना है, कौन सा विचार अभिव्यक्त हुआ है, इसको बोलते हैं भाव पक्ष, किसी कविता का भाव पक्ष। और कला पक्ष क्या होता है, जिसमें हम रस, छंद, अलंकार, भाषा इत्यादि पर विचार विमर्श करते हैं, उसे हम कहते हैं कला पक्ष। तो कुछ ने भाव पक्ष को महत्व दिया है, कुछ समीक्षकों ने कला पक्ष को महत्व दिया है। इन समीक्षकों में से कुछ समीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। तो इन जो पाश्चात्य समीक्षक हैं, इन्होंने काव्य के जो लक्षण निर्धारित किए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर हम विचार कर सकते हैं। आप विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर अन्य जो बड़े पाश्चात्य विचारक हैं, उनके भी परिभाषाओं का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन चूंकि परीक्षा में लिखने का उतना समय नहीं होता है,
इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड चीजों को लेकर यहां पर आया हूं। और मैथ्यू अर्नाल्ड का क्या कहना है, पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप से जीवन की आलोचना है, ये इनका कहना है। इस परिभाषा में काव्य का लक्षण निर्दिष्ट नहीं होता, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कविता का जीवन से गहरा संबंध है। तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो कहा है कि पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसमें इन्होंने यह तो बताया है कि कविता का संबंध जीवन से होता है, लेकिन उन्होंने कविता की कोई विशेषता या कोई लक्षण यहां पर नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया है कि कविता का हमारे जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, जीवन से गहरा संबंध होता है। कॉलरिज नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, समीक्षक हुए, इनका क्या कहना है, बहुत बड़े कवि हैं, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता है। इस परिभाषा में काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष को ही प्रधानता दी गई है। कॉलरिज का क्या कहना है कि कविता क्या है, बहुत से सुंदर शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से जब हम जमा देते हैं, सजा देते हैं, तब वह कविता बन जाती है। मतलब सर्वश्रेष्ठ शब्दों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से अरेंज करना, सर्वश्रेष्ठ शब्दों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से व्यवस्थित करना ही काव्य है। इस प्रकार उन्होंने काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष को ही प्रधानता दी है, क्योंकि कला पक्ष के अंतर्गत हम भाषा का, अलंकार का, रसछंद इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो यह इनका कारण है। हडसन नाम के जो विद्वान हुए उनका क्या कहना है, पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, अर्थात कविता कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, और संवेग, संवेग मतलब इमोशन, अर्थात कविता क्या है, कविता कल्पना और संवेग के माध्यम से जीवन की व्याख्या है। कविता क्या है, कल्पना और संवेग के माध्यम से जीवन की व्याख्या है। इस परिभाषा में हडसन ने कविता का संबंध जीवन से जोड़ा है तथा कल्पना और संवेग को कविता का साधन माना है। हडसन ने क्या कहा है, कविता का संबंध जीवन से होता है और कल्पना और संवेग मतलब इमोशन एंड इमेजिनेशन, ये दोनों कविता के क्या हैं, साधन है, इसके माध्यम से हम कविता लिखते हैं। हडसन का यह मत भारतीय विद्वानों के मत से मेल खाता है। भारतीय विद्वान भी यह कहते हैं कि कविता में क्या होना चाहिए, कल्पना होना चाहिए, हमारी भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए, तो यह मत भारतीय विद्वान है, भारतीय आचार्य है, उनके मत से मेल खाता है। तो उपरोक्त सभी परिभाषाओं के विचार पर विचार करने के पश्चात हम क्या पाते हैं, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है। मतलब काव्य की कोई निश्चित परिभाषा या सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि कविता प्रत्येक काल में अपना रूप बदलती है। वीर गाथा काल में अलग प्रकार की कविता थी, रीति काल में अलग प्रकार की कविता थी, भक्ति काल में अलग प्रकार की कविता थी, आधुनिक काल में भी विभिन्न प्रकार की काव्य धाराएं हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, तो इसीलिए कविता का जो स्वरूप है प्रत्येक काल में बदलता रहता है, इसलिए हम कविता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सकते, काव्य के कोई निश्चित लक्षण नहीं बता सकते। विद्वान अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा देते हैं, परंतु इन परिभाषाओं के आधार पर आधुनिक काल की नई कविता खरी नहीं उतरती, क्योंकि जो हमारे जो विद्वानों ने जो कविता की परिभाषा दी है वह अपनी समकालीन जो कविता है, समकालीन काव्य है, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने कविता को परिभाषित किया है, लेकिन ये इन परिभाषाओं पर जो हमारी नई कविता है वह खरी नहीं उतरती। इसके लिए अपने युग के अनुसार काव्य की नई परिभाषा होनी चाहिए, मतलब हर युग के अनुसार काव्य की परिभाषा बदलती रहती है, प्रत्येक युग में काव्य की परिभाषा भी बदलेगी, क्योंकि कविता का स्वरूप भी बदल जाता है। फिर भी काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के वाले निम्नलिखित सामान्य लक्षण दिए जा सकते हैं। फिर भी सामान्य रूप से हम बता सकते हैं कि कविता में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए, काव्य में मानवीय अनुभूति, मतलब काव्य में सबसे प्रमुख क्या है, मानवीय अनुभूति की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मानवीय भावनाओं की, मानवीय फीलिंग्स एंड इमोशंस की उसमें अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और कैसे अभिव्यक्ति होनी चाहिए, भाषा के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब मानवीय भावनाओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। और अभिव्यक्ति भी कैसी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति भी कलात्मक होनी चाहिए, उसमें रस, छंद, अलंकार, उक्ति, वैचित्र इत्यादि, मतलब सरस होनी चाहिए, उसमें अलंकार भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए, छंद में कलात्मकता होनी चाहिए, उसमें एक आर्ट होना चाहिए, क्राफ्ट होना चाहिए। तो इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है। तो इस प्रकार हम कविता को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मानवीय अनुभूति, ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स,
कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति, मतलब मानवीय भावनाओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान किया जाना चाहिए, और वह अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, रसात्मक होनी चाहिए, जिसको पढ़कर हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए, रस प्राप्त होना चाहिए, और उसमें कलात्मकता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति कविता है। तो इस प्रकार हमने काव्य का लक्षण देखा, और इस जो आज का जो मेरा लेक्चर है इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई छात्र मुझे पूछते थे कि सर मॉडल आंसर कैसे लिखना है, तो इस प्रकार से आप अपने मॉडल आंसर लिख सकते हैं परीक्षाओं में। तो यदि आज का मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।